एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ब्लॉग्स। तो गाइज़ कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। तो आज है मेरा बर्थडे, तो आप लोग मुझे बर्थडे विश करेंगे तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप देख रहे होंगे मेरी आईज ना काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई है। मतलब मैं रोई थी ना थोड़ा बहुत, जैसे तबीयत ख़राब होती तो यार रोना तो आ ही जाता है, तो उसके वजह से मेरी आंखें भी सूज गई हैं, आप देख सकते हो। सो मेरे को ना मतलब 4-5 दिन से जुकाम वगैरह हो रखा था, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे भी ना ये एक दाना निकल गया था जिसको मैंने ये नेल से दबाने की कोशिश करी। उसके बाद उसके साइड में ना 3-4 दाने और निकल गए, तो ये मेरा कुछ ऐसे हो गया। तो अभी तो ये ठीक हो गया है, दवाई वगैरह चल ही रही है। और नियान को भी ना थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है बोल रहा है वो, तो ना मैं उसको एक बार डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उसकी दवाई वगैरह लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज आज ना पार्टी होने वाली है, तो उस पार्टी के लिए आप ना ब्लॉग में बने रहिए कि आज कैसे पार्टी होने वाली है। सो गाइज ब्लॉग को कंटिन्यू करिएगा, स्किप करके मत देखिएगा बिल्कुल भी। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। सो गाइज मैं ब्लॉग को शाम के 4 बजे से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं बिज़ी हो गई थी क्योंकि मैं नियान को डॉक्टर के पास भी लेके गई थी, और भी मेरे घर के काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने सारा काम निपटा लिया है, खाना वगैरह भी खा लिया है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग कर रहे हैं बर्थडे की तैयारी। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए कि आज हम पार्टी मतलब कहाँ करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइज़ अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मेरी फ्रेंड भी आने वाली है घर पे, और हम सब लोग रेडी हो जाते हैं। जी हाँ, हम सब लोग फिर मिलते हैं आपसे। मेरी सिस्टर रेडी हो रही है आज की बर्थडे गर्ल। तो आपको आज किस किस ने विश करा? मुझे? हाँ, मेरे सारे दोस्तों ने, फैमिली मेंबर्स, सब लोगों ने विश किया। मेकअप करने में कितना टाइम लगेगा आपको? अभी तो स्टार्ट ही किया है यार, ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, पर नॉर्मली करती हूँ, तो बस 10 मिनट और लगेंगे मेकअप करने में मुझे। वर्णिका दीदी कब तक आएगी? बस वो भी आने वाली होगी थोड़ी देर में। आज कौन कौन आ रहे हैं वैसे? वैसे मैंने तो सभी लोगों को बोला है, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। तो मेरा लाइनर कुछ इस तरीके से लग चुका है, और बता तुझे कैसा लग रहा है? मेरे को भी काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, किस खुशी में? कि आज बर्थडे मैं भी जाऊंगी। कहाँ जा रही है तू? बर्थडे सेलिब्रेट होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं तो होगा, मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ ले जाओगे तुम लोग। वाओ, अच्छा। मैं भी अब रेडी होने जा रही हूँ। तुम भी रेडी हो? दीदी तो है नहीं क्योंकि वो हमारे हर बर्थडे में रहती है ना। वही तो यार, मतलब आज हम मिस कर रही हूँ मैं काफी ज्यादा, क्योंकि वो हर बर्थडे में रहती है, कहीं पे भी होती है वो बर्थडे के दिन तो आ ही जाती है। बट इस बार वो नहीं आ पाई, बट कोई नहीं, दीदी ने बोला वो आएगी, उसके बाद हम लोग अलग से पार्टी करेंगे। और मेरा गिफ्ट भी पेंडिंग है उसके पास, बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाली है वो मुझे। अच्छा, तो जब वो देगी तो मेरी YouTube फैमिली को मैं दिखा दूंगी। तो अगर अभी आ जाएंगे खुशबू और पूजा, उनका भी कोई वो नहीं है, उन्होंने अपने ऑफिस में भी लड़ाई कर ली है। उन्होंने बोला तो है कि हम आ जाएंगे 7-7:30 बजे तक। हाँ देखो क्या होता है। हम लोग रेडी हो चुके हैं, काफी पहले हो गए थे हम लोग रेडी, बट हमारा एक फ्रेंड ऑफिस से आ रहा था तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इस वजह से हम उसका वेट कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड और देवर जी लोग तो चले गए हैं आगे से, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल ही जाएगा। आज का आउटफिट जो है मेरा, मैं अभी जहाँ पे जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वहीं पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो मैं आज कहाँ जा रही हूँ आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग भी निकलते हैं घर से। मैं जिया और वर्णिका से और भी जो भी आ रहे हैं, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स जो भी आ रहे हैं, उन लोगों से मैं आपको बाहर ही मिलवा दूंगी। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हमारा फ्रेंड भी आ चुका है, जिसका हम काफी देर से वेट कर रहे थे घर पे। और वर्णिका और जिया सामने मतलब पीछे है, और अभी मेरी देवरानी पीछे से आ रही, तो हम उसका यहाँ पे वेट करेंगे।
हम लोग की कैसे लड़ाई हो रही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 18। तो हम लोग आज जा रहे हैं गार्डन प्लेरिया मॉल, जो कि सेक्टर 18 में पड़ता है। और ये है देवेंद्र, मेरा फ्रेंड, जिसके चक्कर में हमें इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। और यहाँ पे है जिया है यहाँ पे। तो आज हम सब लोग पार्टी में जा रहे हैं और आधे लोग तो आगे जा चुके हैं और हम लोग बचे हैं। तो हम लोग पीछे जा रहे हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड को आने में ज़्यादा टाइम लगता था। मेरे हस्बैंड जी और ये रहे मेरे देवर जी। हाय तो कर दो जीबू। हाय नहीं करोगे जीवन? यार ऐसे मत करो, बाप रे इतना एटीट्यूड है ना मेरे देवर में, क्या बताऊँ। हेलो भानु। और ये दोनों यहाँ से आ रहे, देख सकते हो आप। ले लिया मेरे को भी ले। चलो जिया का लुक आज का कुछ ऐसा है, मेरा भी आप देख सकते हो। दिखाओ ना फिर, ये देखो ये ऐसे क्यों बोल रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल जैसे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों। गाइस जो फ्रेंड मिलने वाली थी वो यहाँ पे हमारा वेट कर रही है, तो मैं आप लोगों से उसको मिलवा देती हूँ, आप देख सकते हो। हाय योगिता, वाह कितनी सुंदर लग रही है। पकड़ अरे थैंक यू सॉरी, हैप्पी बर्थडे बोल रही है। बहुत सुंदर लग रही है भाई, थैंक यू। तो गाइज हम लोगों ने ना क्लब में एंट्री ली, उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टार्टर लग चुका था, तो सब लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो स्टार्टर का एंजॉय लिया सब लोगों ने। और मेरी फ्रेंड योगिता बोलने लगी, यार चलो बहुत खा लिया, अब पहले हम डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद खाएंगे। तो यहाँ पे मेरे कुछ और भी फैमिली मेम्बर्स नहीं आए थे जिनको मैंने बुलाया था, जैसे कि खुशबू, पूजा, मौनी, ये सब नहीं आए थे। उन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे हमें धोखा दे दिया था, बट कोई नहीं, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया।
टाइम आ गया था जिसका मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, मतलब पूरा एक साल से वेट कर रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे केक काटना भी स्टार्ट कर दिया था। मेरा केक भी कट हो चुका है, बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डांस किया। उसके बाद आती है बारी डिनर की, तो हम सब लोग यहाँ पे बैठ के डिनर कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हम जा रहे हैं और तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर और हमारी पार्टी हो चुकी है खत्म और हम लोगों ने ना काफी ज्यादा एंजॉय किया। तो कुछ लोग तो आगे चले गए क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 12, तो फटाफट से घर भी जाते हैं क्योंकि नियान ना मम्मी के साथ अकेला है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं किरण मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें। बाय गाइज, टेक केयर।